अलग दुनिया में जाने वाले हैं, तो भाई अलग दुनिया में जाने के लिए चीज़ें भी हमें बहुत ही अलग अलग बनानी पड़ेगी। तो देख रहे हो गाइस, भाई एनिमेशन देखो आप लोग। सो हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। स्वागत है एक और नए एपिसोड में सेव टेक एजस के। तो कैसे यार आप सभी लोग, आई होप कि मस्त होंगे। ओके, तो वीडियो वगैरह लाइक कर दी, अरे लाइक कर दो यार। तो चलो यार गाइस, आज का दिन जो है भाई हम शुरू करते हैं। सो गाइस, आपको पता है भाई, लास्ट टाइम हमने थोड़ा खेती वेती कर ली थी, और ये जो ब्लड वाला है ये भी थोड़ा भर लिया था और इसको लेवल 2 में कन्वर्ट कर दिया था। और उसके अलावा गाइस हमने एक चीज़ बनाई है, मैं मतलब थोड़ी ट्रॉफी वगैरह भी लेके आया था ऑफलाइन। और यार मैं ये सैंडविच बना लेता हूँ थोड़े से। ओके, 26 बन गए हैं, और बाकी ये खाने पीने का सामान मैं वापस रख देता हूँ इधर, जिसकी ज़रूरत है सिर्फ वही रखूँगा मैं। और इसको भी थोड़ा पका लेते हैं भाई। चलो ये दोनों चीज़ें पक जाएंगी। और यहाँ पे मेरे पास पोटैटो भी है। आई थिंक हमारा काम भाई काफ़ी अच्छा हो गया। और यार लास्ट टाइम हमने वो जहरीला एप्पल खा करके अपना जो स्टेप अप की एबिलिटीज़ है यार उसको खो दिया था, तो मुझे थोड़े एप्पल मिले हैं। तो इन एप्पल में से एक एप्पल मैं यूज़ करने वाला हूँ, और भाई बाकी एप्पल को रख दूंगा मैं। और एप्पल को हम इसके अंदर रखेंगे तो भाई ये एप्पल जो है ना, ये जो है वापस से, ओ भाई ये क्या था, क्या ये थंडर गरज रहा है भाई? लग तो मुझे ऐसा ही रहा जैसे थंडर हो। हाँ कुछ कुछ थंडर जैसे ही लग रहा है भाई। ओके गाइस, ये एप्पल जो है कन्वर्ट हो गया है, और भाई इसको हम खा लेंगे तो हमारा जो है एबिलिटीज़ वापस आ जाएगी। स्टेप अप की एबिलिटीज़ चेक करता हूँ मैं एक बारी। ओके गाइस, तो भाई स्टेप अप की एबिलिटीज़ जो है भाई हमारी वापस आ गई है, और भाई हम बहुत ही हैप्पी हैं यार, क्योंकि गाइस हमारी स्टेप अप की एबिलिटीज़ यार कभी कभार मॉब से ये हमें बचाती है बहुत ज़्यादा, सीरियसली गाइस। तो चलो भाई मैं आपको कुछ चीज़ दिखाने वाला हूँ, बट यार उससे पहले मुझे कुछ चीज़ करनी है। और गाइस मुझे इस जेम्स का भाई गुच्छा बनाना होगा ऐसे करके, तो दो गुच्छे ले लेते हैं हम। और उसके अलावा गाइस आज है ना हम एक पोर्टल खोलने वाले हैं, पोर्टल आज हम एक अलग दुनिया खोलेंगे जहाँ पर हम जाएंगे और देखेंगे भाई कि वहाँ पर हमें क्या मिलता है। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ी सी तैयारी करनी होगी भाई। तो भाई हमें कुछ फैंस वगैरह बनानी है, तो मैं बना लेता हूँ फैंस। कैसे बनेगी यार, ऐसे ही तो है। डार्क ओक वुड प्लैंक, ओके डार्क ओक वुड चाहिए मुझे। चलो आसपास देख लेते हैं, डार्क मिल जाएगा हमें यहाँ पे। घोड़े पे बैठ के ढूंढेंगे इस बार हम, है ना भैया। थंडर क्यों गरज रहा है इतना ज़्यादा यार, कुछ ज़्यादा ही गरज रहा है। सो गाइज यार हम थोड़ा सा भाई डार्क ओक वुड लेके आ गए हैं, हमारे पास ही में था भाई डार्क लैंड। और ये डार्क ओक सैपलिन भी मिल गया है मुझे, जिससे कि भाई आने वाले टाइम में हम यहीं पर ही उगा लेंगे पेड़। ओके गाइस, वी आर बैक टू द होम। और भाई अब मैं फटाफट से काम निपटा लेता हूँ। तो पहले तो इसका हमें प्लैंक बनाना होगा भाई। ओके, तो अभी मुझे फैंस बनानी है एक, मतलब फैंस गेट बनाना है एक। ओके सो गाइस, ये भाई ये वाला फैंस गेट मैंने क्यों बनाया है, तो चलो यार मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ कि भाई मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ। तो भाई हम बनाने वाले हैं आज बेनेथ टेलीपोर्टर। तो गाइस आज हम बेनेथ टेलीपोर्टर बनाने वाले हैं, और इसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए भाई। ये डेमोनिक व्हील भी चाहिए एक, तो मेरे पास डेमोनिक व्हील तो काफ़ी सारी पड़ी थी। ये रही एक डेमोनिक व्हील, ये वाली ले लेता हूँ। और उसके अलावा गाइस क्या क्या चाहिए हमें, थोड़ा ब्लैंक, ओके एक ब्लैंक टेलीपोर्टर भी चाहिए होगा हमें, और मोनोलिथ स्टोन 1 2 3 4 चार मोनोलिथ स्टोन चाहिए। मेरे पास 9 हैं, तो एक्स्ट्रा ही है भाई हमारे पास। तो और एक कोल डस्ट चाहिए, तो कोल डस्ट आई थिंक, एक मिनट मैं चेक करता हूँ, शायद मैंने कोल डस्ट बनाई थी, लेट मी चेक। ये कोल पीस बन गया भाई, ये तो कोल बनेगा इससे 8 से, तो भाई कोल बना लेते हैं थोड़ा सा। क्या उल्टे उल्टे काम हो रहे हैं भाई, यहाँ बंद जा और काम करना शुरू कर। ओके, एक चारकोल मिल गया मुझे, नाइस। तो इस चारकोल से बना लेंगे भाई हम डस्ट बना लेंगे, आई थिंक डस्ट इसमें बनती है। तो भाई अब बनानी होगी हमें चारकोल डस्ट।
सो गाइस चारकोल डस्ट मिल गई है भाई हमें, इसका मतलब हमारा ऑलमोस्ट सारा सामान हो गया है बाहर का। अब ये अंदर का एक ब्लैंक टेलीपोर्टर और चाहिए होगा हमें, और ब्लैंक टेलीपोर्टर बनाने के लिए ब्लैक डाई पाउडर। और ये कैसे बनेगा भाई ब्लैक डाई पाउडर? अनफेमिलियर आइटम। ओके, लोटस से दो डाई मिल जाएगी हमें, हमारे पास लोटस पड़ा है भाई। ये रहा लोटस, तो हमें तो एक ही चाहिए होगा भाई। चलो आज लोटस भी काम आ गया मुझे, वैसे मुझे लग रहा था कि ये कभी ना कभी यूज़ में आएगा, एंड फाइनली आ गया भाई यूज़। सो फाइनली गाइज हमें ब्लैक डाई पाउडर भी मिल गया है भाई। और क्या चाहिए भाई हमें? चाहिए एक टिन का ब्लॉक, एक ब्रोंज का ब्लॉक और एक कॉपर का ब्लॉक। ओके, तो टिन का ब्लॉक ये रहा, ब्रोंज का ब्लॉक, कॉपर का ब्लॉक भी चाहिए भाई। और हमारे पास ब्रोंज मेरे पास 9 है, और टिन के भी ब्लॉक हैं मेरे पास। क्या मुझे मिलेगा? ओके गाइस ये मेल्ट तो हो रहा है भाई ब्रोंज, आई थिंक मुझे इसका एक ब्लॉक मिल जाना चाहिए भाई। चलो जब तक ये भाई ब्रोंज का इनगट हमारा तैयार होता है, मतलब ब्रोंज का ब्लॉक जब तक हमारा तैयार होता है, जब तक हम देखते हैं और क्या लगेगा। ओके, ये कोरिडिलियम पर्ल भी लगेगा वापस से, तो चलो भाई ये भी बना लेते हैं एक। ओके, पत्थर हमारे रेडी हैं, जेम हमने बना ही लिए थे, तो मैं दो बना लूँगा भाई, एक दो, ठीक है। बाकी को रख देते हैं इसमें ऐसे करके, और इसको पिघला लेते हैं यहाँ पे फर्नेस में। तो भाई चीज़ें हमारी तैयार हो रही है, और हमारा चाकू कहाँ गया यार? एक चाकू था हमारे पास जिससे हम ब्लड निकालते थे, तो वो चाकू कहाँ है? ये रहा। सो गाइस जेम भी हमारे रेडी हो गए हैं दो। और क्या क्या चाहिए भाई? जेम चाहिए, ओके, एक अप्रेंटिस ब्लड ऑर्ब चाहिए भाई। और ये कैसे बनेगा? ओके, ये कोरेलियम पर्ल को हमें डालना पड़ेगा इस ब्लड अल्टर में। चलो ठीक है, अच्छा हुआ हमने दो बनाई, ये ब्लड और भाई ये। ओके, और ब्लॉक ऑफ कोल, ओके हमें कोल के ब्लॉक भी चाहिए भाई। चार कोल के ब्लॉक आई थिंक नहीं चलेंगे, हमें कोल के ही ब्लॉक चाहिए। ओके, ये रहा भाई कोल, हमारे पास पड़ा है कोल, तो इनके हम ब्लॉक बना लेंगे। चलो काम हो जाएगा, मतलब वरना चार कोल लेने जाना पड़ता यार अभी हमें। चलो बच गए भाई, सही है। ओके गाइस, तो भाई ये वाला और भी हमारा बन के तैयार है, इसको भी ले लेते हैं हम। नाइस, तो ऑलमोस्ट हमारी सभी चीज़ें तैयार हो गई हैं, बस ये हमें ब्रोंज का ब्लॉक चाहिए और ये चारकोल का ब्लॉक चाहिए। बाकी सभी चीज़ें भाई हमारी बिल्कुल 101% रेडी हैं, तो आई थिंक हमारा ये भी पिंगल के तैयार है। ओके, ब्रोंज मेल्ट हो चुका है, तो भाई अब ये सारा का सारा इसमें जाएगा और हमें मिलेगा एक ब्लॉक ब्रोंज का। भाई बिल्कुल गिनती के ब्रोंज बचे थे मेरे पास, थोड़े से ब्रोंज बनाने पड़ेंगे यार हमें। और चलो भाई ये मिल गया ब्रोंज का ब्लॉक, तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ें हमारे पास हो गई हैं भाई, और अभी हमें बस चाहिए होगा। सो गाइस यार हम थोड़ा सा ब्रोंज भी बनने के लिए रख ही देते हैं इसके अंदर, क्योंकि यार कभी भी हमें ज़रूरत पड़ जाती है। और अभी हम कोल का ब्लॉक देख लेते हैं, बनाया क्या नहीं बनाया इस सांड ने, तो सांड बना क्यों नहीं रहा कोल के ब्लॉक? कुछ रह गया क्या इसमें? अरे यार ये रह गए थे 5 4 कोल, इसलिए नहीं बना रहा था ये। अब बनाएगा, एक मिनट, हाँ अभी बना रहा है ये, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी बना। तो यार जब तक ये चारकोल का ब्लॉक बना रहा, जब तक हम एक चीज़ बना लेते हैं। आप लोगों को पता है कि भाई लास्ट टाइम हम जब अभी एडवेंचर पे गए थे तो हमें मिली थी वाइल्ड डॉग पेल्ट। अब गाइस इससे बहुत ही फर्स्ट क्लास चीज़ बनती है, जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ भाई, और वो क्या बनती है चलो दिखा देता हूँ। तो गाइस ये वाइल्ड डॉग पेल्ट बूट बनते हैं भाई, जैसे कि पता है भाई आप लोगों को कि हमारे बूट भी टूट ही चुके हैं यार, तो ये बूट बनाने के लिए भाई हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। ग्लू चाहिए होगा, 4 चाहिए यार। ओके 4 ले लेता हूँ मैं, मुझे लगा थोड़ी कम में बात बन जाएगी, बट 4 चाहिए इसको। चलो कोई नहीं, 4 ले लेते हैं हम। और भाई फैदर चाहिए होंगे, बंडल ऑफ फैदर चाहिए भाई, जिसके लिए एक हैम्प फाइबर चाहिए,
ओके हैम्प फाइबर, अच्छा हैम्प से मिल जाता है हैम्प फाइबर। और क्या चाहिए होगा, फैदर चाहिए होंगे यार, फैदर तो मेरे पास एक ही है भाई। भाई इसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं हम, इसको बाद में बनाएंगे, पहले हम अपना काम निपटा लेते हैं जो हम बनाने वाले हैं अभी। तो इसने बनाए, ओके तो दो ले लेता हूँ भाई मैं, दो ब्लॉक काफ़ी रहेंगे चार कोल के, क्योंकि हमें दो ही चाहिए भाई। चलो अभी हमें बनाना है भाई ये ब्लैंक टेलीपोर्टर, तो ये ब्लैंक टेलीपोर्टर बना लिया भाई। और ये रीयूजेबल है, ओ नाइस यार, यूरे ये रीयूजेबल होते तो और ज़्यादा सही रहता है, इनको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती फिर। चलो भाई ये बन चुका है, अब हमारी मेन चीज़ बनेगी जिसको बनाने के लिए भाई हमें अपनी बुक चाहिए होगी। और अभी हम जाने वाले हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आप देख के थोड़ा सा हैरान मत होना प्लीज़ गाइस, क्योंकि वो जगह बहुत ही ख़तरनाक है भाई। और वो बुक लेने जाने वाला हूँ मैं, और वो मैंने घर से थोड़ी सी दूर लगाई है वो जगह। तो मैंने यहाँ पे भाई थोड़ा सा काम किया था ऑफलाइन, देख रहे हो, पहले वो जगह मैंने यहाँ बनाई थी, फिर भाई यहाँ पे मोब स्पॉन होने लग गए, तो भाई मैंने सोचा कि यार ये मेरे घर के घर के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा है, तो मैंने उस जगह को थोड़ा दूर बना दिया। आई थिंक मैंने सुना कि 25 या 30 ब्लॉक दूर लगाने पर जो है मोब स्पॉन नहीं होते। तो जैसा कि देख रहे हो भाई ये काला काला सा, यहाँ पे भी मोब स्पॉन हुए हैं इसका मतलब। ओके गाइस, तो भाई यहाँ पे मोब स्पॉन होते हैं, और ये पूरी की पूरी चार्ज हो चुकी है भाई, बहुत ही बढ़िया। और भाई देखो मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा ट्रॉफी लगा दी है यहाँ पे, क्योंकि ये ट्रॉफीज़ मुझे ऑफलाइन मिल गई थी, अब मैं गया था फाइट करने के लिए। और ये गड्ढे देख रहे हो आप, ये गड्ढे भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पहले नहीं थे ये गड्ढे, और यहाँ पे बहुत सारी टॉर्चें लगा रखी थी मैंने, वो भी नहीं है। तो भाई यहाँ से तो थोड़ा दूर ही रहते हैं। तो भाई ये नेक्रोनॉमिकल जो बुक है ना, ये बहुत ही काम की चीज़ है गाइस, और ये बहुत काम आएगी, अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। बस मुझे थोड़े से ब्लॉक चाहिए होंगे, मैं कोबलस्टोन ले लेता हूँ, कोबलस्टोन से हमारा बात बन जाएगी। तो कोबलस्टोन ले लेते हैं थोड़े से, चलो। और भाई आपको एक सेंटर चाहिए होगा, अब दो ब्लॉक छोड़ के एक पत्थर रखो, दो ब्लॉक छोड़ के एक पत्थर, दो ब्लॉक छोड़ के एक पत्थर, दो ब्लॉक छोड़ के एक पत्थर, तो ये प्लस जैसा बन जाएगा, प्लस यानी जमा का निशान होता है ना वो। और फिर आपको एक ब्लॉक छोड़ना है कोने से, इधर रखना है, और एक ब्लॉक इस कोने से छोड़ना है ऐसे, एक ब्लॉक इस कोने से छोड़ना है, एक ब्लॉक इस कोने से छोड़ना है, तो ये एक तरह से सर्कल जैसा बन जाएगा। देखो ऊपर से दिखाता हूँ मैं आपको, दिख रहा है ना सर्कल जैसा। ओके तो भाई ऐसा पैटर्न बना लेना है आपको, क्योंकि अब हम कुछ अलग दुनिया में जाने वाले हैं, तो भाई अलग दुनिया में जाने के लिए चीज़ें भी हमें बहुत ही अलग अलग बनानी पड़ेगी। अब इस बुक को लेना है और शिफ्ट राइट क्लिक मार देना है। होली क्रैप गाइस, ये कैसी आवाज़ थी भाई ओ भाई देख रहे हो गाइस ये क्या बन गया। तो भाई ये जादुई कुछ चीज़ बन जाती है, और ये पूरी की पूरी चार्ज है अभी तक। ओके तो भाई अब हमें वो रेसिपी दिखाऊंगा आप लोगों को जो कि पोर्टल बनाती है बेनेट का। तो भाई देखो ये वो रेसिपी है जो हमें रखनी है यहाँ पे, यानी मोनोलिथ पत्थर रखने हैं, ये वाले मोनोलिथ पत्थर चार रखने हैं ना, हाँ एक, कैसे कैसे थे मेरे को बार बार देखना पड़ेगा यार ये, और दो यहाँ पे है आमने सामने, ठीक है इतने तीन ही चाहिए ना, नहीं चार चाहिए, और एक सामने से ऊपर की तरफ है। तो भाई ये एक सामने से ऊपर की तरफ, और इस मोनोलिथ पत्थर के साइड में क्या लगा हुआ है, इस मोनोलिथ पत्थर के सामने डेमोनिक व्हील लगी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे लगी हुई है फैंस। ओके तो मेरे पास ये दो बचे हैं, तो इन दो में क्या लगेगा भाई, एक में कोल है एक में गन पाउडर है, तो जिस साइड फैंस है उस साइड गन पाउडर है, तो इस साइड फैंस है तो यहाँ की साइड है गन पाउडर ऐसे। तो एक चीज़ बची है यानी कि कोल डस्ट। अब भाई लास्ट चीज़ बची है हमारी, ये ब्लैंक टेलीपोर्टर। अब ये ब्लैंक टेलीपोर्टर बीच में रखना है, और गाइज अब आनी आ गई है बारी भाई जादू मंत्र की, और मैं आप लोगों को जादू दिखाने वाला हूँ। मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, अरे यार ये टेलीपोर्टर नीचे लग गया, क्या मैं इसको तोड़ूंगा तो मिल जाएगा ना, हाँ मिल गया। तो इसको, अरे भाई क्या यार, भाई मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ इसलिए शायद चीज़ें गलत हो रही हैं। ऐसे रखना है और शिफ्ट राइट क्लिक करना है इस पर, बूम। तो देख रहे हो गाइस,
भाई एनिमेशन देखो आप लोग। ओ भाई बिजली कड़की गाइज। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हमने बना लिया है बेनीथ टेलीपोर्टर। सो गाइज यार हमने बेनीथ टेलीपोर्टर बना लिया है भाई, और इस टेलीपोर्टर को हम लगा देंगे यहाँ पे भाई। ओके ये लग गया। तो भाई ये है हमारा बेनीथ टेलीपोर्टर गाइज। और भाई इसको बनाने के लिए सीरियसली गाइज हमने बहुत पापड़ बेले भाई, लेकिन फाइनली ये बन गया भाई। बहुत बहुत बढ़िया, 1000 पावर यूज़ हो गई। चलो कोई नहीं, बट आई एम वेरी हैप्पी गाइज। और ये बुक को मैं वापस रख के आता हूँ भाई, इसको ऐसे बीच में रख देते हैं और यहाँ से भाग लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉब स्पॉन होने शुरू हो जाते हैं। चलो बढ़िया। ऑफलाइन यार बहुत सारा काम करना पड़ता है, आप लोग को दिख ही रहा होगा भाई, चारों तरफ काफ़ी सारी मेहनत है। तो गाइज हम बेनीथ जाएंगे थोड़ी देर में, बट उससे पहले हमें थोड़ा सा काम करना है भाई। और वो काम क्या है गाइस, आज हमें भाई वो सुपर सोनिक बूट बनाने हैं। और बूट बनाने के लिए भाई हमें थोड़ी सी मुर्गियों को मार के आना पड़ेगा, क्योंकि हमें चाहिए भाई फैदर। मैं हैम्प ले लेता हूँ घर के अंदर से। हाँ ये रहा हैम्प, 8 है मेरे पास हैम्प। और इस हैम्प को इसके अंदर डालना है भाई, और इसको चलाएंगे तो हमें हैम्प स्ट्रिंग मिलेगी। और भाई न्यूट्रिशन भी मेरा ठीक ठाक है, फ्रूट की कमी है शरीर में यार, फ्रूट चाहिए यार हमें। मैं थोड़े से बेरीज ले लेता हूँ यार, ये बेरीज खा लूँगा। 1% न्यूट्रिशन है इनमें, चलो कम से कम 6 तो बढ़ेगा मेरा। ओके गाइस तो भाई हैम्प मिलना शुरू हो गया, 3 मिला है मुझे। एक ही तो चाहिए बंडल बनाने के लिए, तो इसका मतलब हमें इतना ही काफ़ी है भाई। और रात हो गई तो यार सो ही जाता हूँ, दिन में जाएंगे मुर्गी पकड़ने। सो गुड मॉर्निंग बॉयज, कैसे यार आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई सुबह में सेव टेक एजस की। तो भाई घोड़े को पकड़ते हैं और चलते हैं मुर्गियाँ पकड़ने के लिए। सुबह सुबह हो गई है भाई, एकदम बढ़िया बढ़िया ठंडी ठंडी हवा लग रही है, तो मुर्गियाँ पकड़ते हैं यार, और उनसे बहुत सारी तगड़ी तगड़ी चीज़ें बनेंगी मुर्गियों से। और मुझे पता है मुर्गियाँ कहाँ मिलेंगी, मैंने एक बार देखी थी मैं मुर्गियाँ भाई। ओके गाइस यहाँ पे एक मुर्गी, कितने मिले मुझे इससे, एक ही मिला यार, और हड्डी भी मिलती है भाई, नाइस। वन शॉट किल, नॉट अ बिग डील ब्रो। तो फाइनली गाइस वन शॉट किल हो रही है मुर्गियाँ। मेरे को 7 फैदर मिल गया, बट मुझे काफ़ी सारा चाहिए यार, अभी 7 इनफ नहीं है। मुझे लगता है यहाँ के सारे मुर्गियाँ ख़त्म हो गई, आवाज़ नहीं आ रही है मुर्गियों की। ओके ये रही मुर्गी, मर गई, बस 1 फैदर और चाहिए भाई। नहीं नहीं हो गए, पूरे हो गए, 16 फैदर हो गए मेरे को, और मेरे को 16 ही चाहिए। तो चलो भाई अभी घर पे निकलते हैं, और जो चीज़ मैं बनाने वाला हूँ वो आप लोगों को दिखाता हूँ कि भाई वो कितनी कूल होने वाली है भाई वो चीज़, और भाई सच में वो बहुत हेल्प करेगी इस गेम में हमें, बहुत बहुत ज़्यादा। सो गाइस ओ भाई क्या बिजली कड़की है भाई। सो गाइस वी आर बैक टू द होम। और यार ये बिजली है ना कुछ डरा देती है सच में, एकदम से गरजती है ना, डरा देती है बिल्कुल। और भाई हमारे देख रहे हो पेड़ पौधे भी गाइस कितने बड़े हो गए हैं भाई, और इतने सारे वाटरमेलन भी निकल गए। तो भाई अब फ्रूट की तो कमी होने वाली नहीं है भाई अपने न्यूट्रिशन में। ओके नाइस, सब्जियां वब्जियां भी उग गई हैं। तो भाई हमें ये फैदर क्यों लेके आए हम, पहले इसको हैम्प को बीच में रखेंगे और इन फैदर को रखेंगे चारों तरफ, तो हमें मिल जाएंगे 2 बंडल ऑफ फैदर। तो भाई फैदर के गुच्छे बना लिए हमने 2, और इन गुच्छों से बनेगी अब चीज़ें। और मुझे ग्लू चाहिए था 2, तो 1-2 बाकी का रख देता हूँ। ओके गाइस तो भाई अब बना लेते हैं हम ये वाले बूट। चलो भाई वाइल्ड डॉग पेल्ट बूट। और ये हैम्प क्यों रह गए भाई यहाँ पे। तो गाइस तैयार हैं वाइल्ड डॉग पेल्ट बूट, पहन के दिखाता हूँ क्या काम करते हैं। कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ यार। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। गाइस दिस इज नॉट एट लीस्ट, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बूट काम क्या करते हैं भाई। ये देखो बूम। तो गाइस देख रहे हो भाई सुपर सोनिक स्पीड, सुपर सोनिक जंप, होली क्रैप गाइस ये जूते भाई बीस्ट हैं, गाइस ये जूते बीस्ट हैं भाई। भाई ये बहुत तगड़े है भाई, ये देख रहे हो जंप देखो गाइस मेरी, होली क्रैप गाइस जैसे कोई स्पेशल पावर आ गई हो मेरे पास। तो भाई स्पीड और बूस्ट देंगे ये जूते हमें, मतलब अभी तो हम
घोड़ों से भी तेज जाने वाले गाइस। देखो मेरी स्पीड तो देखो तुम, और जंप देखो भाई, नाइस। मैं पेड़ों पे तो मैं ऐसे ही चढ़ जाऊंगा, ये देखो नॉट अ बिग डील। तो कैसा लगा भाई आप लोगों को ये बूट, कमेंट में ज़रूर से बताना भाई कूल है या नहीं है। और भाई पीछे ये चीज़ बड़ी ही खतरनाक है भाई। सो गाइस आज के पार्ट में भाई इतना ही। आई नो कि थोड़ा छोटा पार्ट है, बट गाइस आज के पार्ट में इतना ही, क्योंकि भाई ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। और गाइस बहुत ही मज़ा आया भाई आज ये सब चीज़ें क्रिएट करके, बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी स्टेप अप की एबिलिटीज़ है जो वो वापस आ गई है। और भाई आने वाले टाइम में हम जाने वाले हैं बेनेथ में, और गाइस इस सेव टेक एजेस का बेनेथ जो है वो बहुत ही डिफरेंट है। और आपको पता है भाई वहाँ पे डार्कनेस बहुत ज़्यादा होती है बेनेथ में, और उस डार्कनेस को हटाने के लिए इसमें एक चीज़ बनती है, वो क्या बनती है हम आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएंगे। बहुत ही एक्साइटेड होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड भाई, और मैं खुद एक्साइटेड हूँ। मुझे पता है कि आप लोग भी एक्साइटेड हो भाई। आप चाहते हो मैं दिन में बहुत सारे वीडियो अपलोड करूँ, लेकिन भाई एक ही कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एडिटिंग में, रेंडर में, डाउनलोडिंग में, रिकॉर्डिंग में, फिर उसको अपलोड करने में, सब समझा करो यार, बहुत टाइम लगता है। तो एक दिन में एक ही वीडियो आ सकती है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बॉयज एंड गर्ल्स बाय बाय, एंड एज ऑलवेज चाओ चाओ।